शिव गंगा पर बना पुल का एक किनारा बह जाने से ग्रामीण सहित स्कूली बच्चों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बांस बल्ली व खम्बे की पुल बनाकर जान हथेली में लेकर नदी पार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कवर्धा दामापुर बाजार क्षेत्र के शिव गंगा नदी पर बने पुल की, जिसका निर्माण लगभग 15 वर्ष पहले किया गया है। वर्तमान में पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण आवागमन बाधित हो रही है। स्कूली छात्र छात्रा लकड़ी के बने पुल व खम्बे से नदी पार करने को मजबूर हैं। जिस तरह पुल को पार किया जाता है, कहीं न कहीं बड़े हादसा होने की संभावना है। इस मार्ग से गोदा, गोबर्रा, प्राण, खैरा, वंशापुर, आमाधा के 70-80 के संख्या में छात्र छात्राएं आना जाना करते हैं। कई बार बच्चे बह गए हैं, कई बार इसको लेकर आंदोलन हुआ, मगर विभाग आज तक सुध नहीं लिया, जो समस्या परे है। शायद किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुल निर्माण में अनियमितता बरती गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक सुधर पाएगी यह रास्ता। यहाँ के छात्र भी, इन्हीं गांव के लगभग 100 के संख्या में छात्र छात्राएं यहां से आना जाना करती हैं। इस पुल का दोनों हिस्सा जो है वो पानी में बह चुका है। कायदे से दोनों हिस्से में रिटर्निंग वॉल बनना था जिस समय पुल बना है, लेकिन रिटर्निंग वॉल नहीं बना। रिटर्निंग वॉल के जगह में सिर्फ दोनों किनारे को बिना जोड़े पुल को खड़ा कर दिया गया है। और पुल जो था वो स्टाफ डैम था, लेकिन स्टाफ डैम भी नहीं बनाया गया है। भ्रष्टाचार उस लेवल में हुआ है। पुल के अंदर अगर झांक के देखा जाए तो 1.5-2 किलो का वेट का वजन का गिट्टी होगा, गिट्टी नहीं, उसको गिट्टा बोले या बड़ा पत्थर बोले, उस चीज को भी गिट्टी के साथ मिक्स करके लगा दिया गया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जिसको शायद ग्रामीण क्षेत्र है ये, इसलिए अधिकारी कर्मचारियों के बीच में ये बात नहीं गई होगी, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ है, परिणाम ये हुआ है कि स्कूली छात्र कई बार बह चुके हैं। हाँ, सामान आया था ना तो बैग पूरा गिर जाते, बाहर नदिया के नीचे गिर जाते, वहाँ तक के बहुत बहुत चल रहे थे ना। बहुत जन इसे बहुत बड़े बड़े घटना हो गई है हमें। बरसात के दिन में बहुत कठिनाई जाते, कई जन लड़का मन गिर जाते और कई जन के बैग मन तक बहा जाते। यहाँ आए पर बहुत कठिनाई जाते। हम कम से कम 70-80 बच्चा आथन प्राण खैरा गाँव, ए प्राण खैरा बंसापुर और आमादा और कोदवा।